गोद्रो लिव्स अलोन के एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाए थे एक लड़की जिसका नाम काना होता है और उसकी मॉम शिन के पास आके बोलती है क्या मेरी बेटी काना गोद्रो के घर आके खेल सकती है। तो अपना गोद्रो बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों घर के और निकल जाते हैं खेलने के लिए और फिर वो लोग घर आके वहाँ पे कार्ड्स खेलने लगते हैं क्योंकि उनके पास कुछ खेलने के लिए होता नहीं, कोई आइडिया नहीं होता। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे कि काना की मॉम कोत्रो से दोबारा पूछती है कि क्या मेरी बेटी आज दोबारा तुम्हारे घर खेलने आ सकती है। तो कोत्रो हाँ कह देता है और फिर रास्ते में जाते जाते शिन कोत्रो को बोलता है कि आज भी हम कार्ड्स नहीं खेलेंगे क्योंकि मैं इतना बोर हो गया था कार्ड्स खेलते वक्त, आज कुछ और गेम खेलें, कोई अच्छा आइडिया निकालो। और फिर तभी काना जो होती है वो भी बोलती है हाँ मैं भी बोर हो गई थी गेम खेलते खेलते, आज कुछ और खेलेंगे। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि काना की मॉम दोबारा उससे बोलती है कि आज भी मेरी बेटी तुम्हारे साथ खेलने आ सकती है। कोत्रो फिर से हाँ कर देता है मगर रास्ते में जाते जाते कोत्रो काना से पूछता है कि तुम अपने एक्चुअल फ्रेंड के साथ क्यों नहीं खेलने जाती, क्योंकि तुम मेरे साथ खेलोगी तो बोर हो जाएगी, मैंने स्कूल में देखा है तुम अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रहती हो खेलती हो मगर छुट्टी के वक्त तुम मेरे घर आ जाती हो खेलने के लिए और बोर होती रहती हो, क्यों ना तुम अपने एक्चुअल फ्रेंड के पास जाओ खेलने के लिए। तभी काना बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में भी कोई एतराज़ नहीं है, मैं उनके साथ भी खेल सकूँ तुम्हारे साथ भी खेल सकती हूँ। और फिर अपना जो शिन होता है उसको पास्ट का सीन याद आता है जब कोत्रो काना की मॉम जा रही होती है और बोलती है मैं तुमसे आज रात को मिलूंगी और तभी वहाँ पे कोत्रो कुछ लेडीज़ को बात करते हुए सुन लेता है कि काना की जो हस्बैंड काना की जो मॉम की हस्बैंड है उनका जॉब छूट गया और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें अगले सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है कोत्रो घर के बाहर खड़ा रहता है और तभी काना की मॉम आ जाती है उसको लेने और तभी अपना जो शिन होता है वो काना की मॉम को बोलता है कि आपको अपनी बेटी को यहाँ नहीं भेजना चाहिए क्योंकि कोत्रो की भी एक लाइफ है और आप उसकी लाइफ का एडवांटेज उठा रही हैं, क्योंकि हमें यहाँ बताया जाता है कि जो काना की मॉम होती है वो कोत्रो के जरिए काना को यह समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हुए तो क्या हुआ, कोत्रो की तरह हम भी रह सकते हैं। तो अपनी बेटी को वो ऐसे करके समझा रही होती है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है काना और उसकी मॉम दोनों जा रही होती है रास्ते में और फिर उसकी मॉम काना से पूछती है क्या तुम सच में कोत्रो के साथ खेलते खेलते खुश रहती हो कि नहीं। तो अपनी जो काना होती है वो बोलती नहीं मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है मगर जब मैं उसके साथ खेलती हूँ तब आप खुश रहते हो तो इसलिए मैं भी उसके साथ खेलने चली जाती हूँ। फिर तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बच्चा होता है जो कि जिसका नाम की होता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे घर जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो की होता है वो बेड पे लेटा हुआ रहता है और फिर वहीं पे कोत्रो आ जाता है और उसको एक ऑरेंज या कुछ देता है ताकि उसके विटामिन पूरे हो जाए और वो बोलता है कि तुम अगर ये खाओगे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो क्ले के साथ कुछ बना रहे थे, सभी बच्चे बना रहे हैं और फिर अपना जो कोत्रो होता है उसका सर मतलब मुँह जो है पूरा लाल हो चुका होता है तो जो मैम होती है वो उसका सर छूती और बोलती है कि तुम्हारा सर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अपना जो कोत्रो बोलता है कि नहीं मैम आपका हाथ ख़राब होगा, मेरा सर एकदम ठीक है। और फिर तभी जो उसकी मैम होती है वो उसको बोल रही थी चलो नर्स के पास चलते हैं मगर अपना जो कोत्रो तो वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं जाना और फिर वो कर्टन के पास जाके अपना मुंह छुपा लेते और बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ मुझे नहीं जाना है नर्स के पास। और फिर तभी जो मैम होती है वो शिन को बुला लेती है और बोलती है इसको फीवर है मगर ये नर्स के पास नहीं जा रहा है, इसको घर जाना चाहिए। तो अपना जो कोत्रो होता है वो बोलते हैं नहीं मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे को कहीं नहीं जाना। और फिर तभी जो के होता है वो बोलता है कि मैम मुझे फिर से अच्छा नहीं लग रहा, मैं सिक फील कर रहा हूँ। तो अपना जो की होता है वो मैम के साथ नर्स के पास जा रहा होता है और तभी अपना जो कोत्रो होता है वो की के पास जाता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो अपना जो की होता है वो बोलता है कि मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हूँ और ऊपर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें, अगर मुझे लोग ऐसे ही एडमिट कर ले कि हाँ मैं सीखूँ तो सीखूँ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो बात सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो की को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा वीक समझ लिया था मगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और फिर अपना जो की होता है वो बोलता है थैंक यू और तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और फिर वो नर्स के पास चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पर लेडी कोबायाशी कोत्रो के घर आती है और उसका डोर बेल बजाती है और फिर लेडी कोबायाशी कोत्रो को बोलती है कि कोत्रो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि किस चीज़ में, तो अपनी लेडी कोबायाशी बोलती है मैं तुम्हें आगे समझा दूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों मेट्रो में बैठ जाते हैं और वहाँ पर लेडी कोबायाशी नरूटो
कोत्रो को बताती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस चीज़ में कि मुझे एक अपार्टमेंट देखने जाना है, और तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें ज़्यादा पता होगी अपार्टमेंट में कैसे रहते हैं और क्या क्या देखना पड़ता है, तो मैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोत्रो होता है वो अपार्टमेंट की तरफ मतलब पहुँच जाता है, दोनों के दोनों पहुँच जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्रोकर होता है जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है उनको अपार्टमेंट दिखाने के लिए, और फिर जो ब्रोकर होता है वो दिखाता है अपार्टमेंट कि हाँ ये देखो कैसा है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोबायाशी होती है वो बोलती है कि मैं कुछ सामान लाई हूँ ताकि हमें घर जैसा फीलिंग आए, तो फिर वो कुछ कुछ सामान उसको दिखाती है, मतलब जैसे बिस्तर हो गया, टेबल हो गया, साबुन हो गया, और वो बाथटब पर जाके बैठी रहती है साबुन के साथ ताकि फील आए कि हाँ हम लोग अपने ही घर में हैं। और फिर अपने जो कोत्रो होता है वो मतलब शांत बैठा हुआ रहता है बाथटब में और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, और अपनी जो कोबायाशी होती है वो बोलती है कि कुछ ज़्यादा शांत नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया था जहाँ पे कि कोबायाशी अपने मैनेजर के साथ बात कर रही होती है कि मैं कोत्रो को अपने साथ अपार्टमेंट दिखाने ले जा सकती हूँ कि नहीं, तो अपना जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि कौन सा अपार्टमेंट है, तो कोबायाशी बोलती है सनिन अपार्टमेंट, तो अपना मैनेजर बोलता है कि ये वही अपार्टमेंट है ना जहाँ पे कोत्रो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तो कोबायाशी बोलती है हाँ। फिर जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोत्रो को वहाँ पे जो बैड मेमोरीज है वो उसको वापस आ सकती हैं, तो इसलिए तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो अपने अपार्टमेंट में जब रहता है तो उसको एक छत के ऊपर एक दाग दिखता है जो कि उसके पुराने अपार्टमेंट में जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था वहाँ पे भी सेम दाग था, तो उसकी मेमोरीज वापस आ जाती है, मतलब वो बैक मेमोरीज याद करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोत्रो होता है वो अपार्टमेंट में वो दाग ढूंढने लगता है कि वो दाग किधर है। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कोबायाशी होती है वो ब्रोकर को बोल देती है कि नहीं हमें ये अपार्टमेंट नहीं चाहिए। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना जो कोत्रो होता है जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है, कोई इंसेक्ट या वगैरह ऐसा कुछ, और फिर वहीं पे तीन बच्चे आ जाते हैं जो कि सेम चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, और दोनों के दोनों बात करते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही है वो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चा होता है उसके दो छोटे भाई और एक बहन होती है, और वो दोनों के दोनों को बहुत भूख लगी रहती है, तो वो दोनों खाना मांग रहे थे कि हमें खाना चाहिए, जल्दी ढूंढो कुछ खाने के लिए। और फिर जो बड़ा बच्चा होता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरे भाई बहन का ख्याल रख सकते हो, मैं कुछ ढूंढ के आता हूँ जल्दी से। और फिर दो घंटे बाद हमें दिखाया था कि उसका बड़ा भाई अभी तक नहीं आया था और सूरज ढलने वाला होता है, तो कोत्रो उन दो बच्चों से पूछता है कि क्या तुम्हें उनका अपना घर मालूम है किधर रहते हैं। फिर हमें दिखाया था वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और हमें दिखाया था कि जो बड़ा बच्चा होता है वो चिप्स खा रहा, और फिर हमें दिखाया था दोनों के दोनों छोटे छोटे जो भाई और बहन होते हैं वो चिप्स लेके खाने लगते हैं और बोलते हैं हमें भी दो खाने के लिए। और फिर वो जो बड़ा बच्चा होता है वो कोत्रो को बोलता है कि मुझे कभी कभी इनको छोड़ना पड़ता है ताकि मैं अपने लिए समय निकाल सकूं, और जैसे कि मम्मी पापा ने हमें छोड़ दिया तो मुझे भी इनको शायद छोड़ देना चाहिए, तो अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि नहीं हमें मम्मी पापा ने नहीं छोड़ा, तुम गलत सोचते हो, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। और फिर दोनों थोड़ा बहुत बहसबाजी करने लगते हैं। और फिर हमें कोत्रो का पास्ट दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाए थे कोत्रो खाना खा रहा होता है और उसकी माँ उसको बोलती है कि देखो कोत्रो अब मैं और डैड तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। और फिर उसकी मॉम सूटकेस बांध के जाने लगती है, और अपना कोत्रो पूछते आप किधर जा रहे हो मॉम, फिर जो उसकी मॉम होती है वो बोलती है अब हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा, तुम एक अच्छे बच्चे और स्ट्रांग बच्चे बनना ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखना। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो बड़े ही प्यार से बोलता है यस। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना जो कोत्रो होता है वो उन बच्चों से मिलने आया होता है, और तभी वहाँ से दो लेडी गुजर रही होती है और वो ये बात कर रही होती है कि यहाँ पे जो कुछ बच्चे रहते थे उनको सिविल सर्विस लेकर चली गई है क्योंकि उनके पेरेंट्स महीनों से नहीं आए हैं और वो लोग अकेले रहते थे। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है वो लोग को उनके पेरेंट्स ने छोड़ा नहीं था। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना जो कोत्रो होता है वो मिज़ुकी और शिन के साथ अपना स्नैक्स शेयर कर रहा होता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा थे और वो लोग मस्त खा रहे थे, और दोनों के दोनों कोत्रो को थैंक यू बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ अपना स्नैक्स शेयर किया और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस, पता नहीं मैंने कब से नहीं खाई ये सब। और फिर वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं तभी टीवी में हमें दिखाया जाता है टोटो सामान का ऐड आता है, और यहाँ पे वो बताते हैं कि एक बच्चे को कैसे रहना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए, अच्छे से खाना पीना खाना चाहिए, अपना जो हेल्थ का केयर करना चाहिए, ये सब अल्टू फालतू चीज़ें बताते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें बताता है, तो वो सब कोत्रो देख रहा था। और फिर टोटो सामान के ऐड में बताते हैं कि उसकी एक मूवी आने
वाली है, तो अपना जो कोत्रो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपअप हो जाते हैं मूवी के लिए कि वो मूवी देखने जाएगा और टोटो सामान भी जैसा अच्छे बच्चे की तरह रहेगा, मतलब उसके जो रूल्स है वो फॉलो करेगा। और फिर तभी सीन कट हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है म्यूजिकी रास्ते पर जा रही होती और उसके पीछे कोई आता और उसको नाम लेता है म्यूजिकी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह में कोत्रो अपने अपार्टमेंट से निकल रहा होता है, आ रहा होता है और वो म्यूजिकी से मिलता है और बोलता है कि म्यूजिकी ये तुम्हारे चेहरे पे मास्क क्यों लगाया तुमने, क्या हुआ है तुम्हें। और फिर जो म्यूजिकी होती है वो बोलती है तुम कोत्रो तुम हमेशा मेरे अंदर कैसे देख लेते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब घर के अंदर बैठ के बात कर रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ, और वहाँ पे म्यूजिकी बताती है कि कल रात को उसका बीएफ आया था और उसने उसको मारा पे कुछ पैसों के लिए, और वो बोलती है कि अब मुझे पता चल गया कि जो मेरा बीएफ है उसको मुझ में नहीं मेरे पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना, मगर जब मैंने उसको ऐसा कहा तो उसको हुआ कि मुझे उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे को मेरा ये हाल कर दिया। और फिर अपना जो सीन होता है वो म्यूजिकी को बोलता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और फिर अपना इसामू पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसको ठीक करता हूँ अच्छे से। और फिर तभी अपना जो कोत्रो होता है वो म्यूजिकी को बोलता है तुम्हें ये अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अपना जॉब छोड़ देना चाहिए और यहाँ से बहुत दूर चले जाना जहाँ पे कि वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। और फिर अपना जो सीन होता है वो बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। और अपना इसामू बोलते नहीं तुम मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसको ठीक करूँगा। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि नहीं इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसको अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए, अगर बात ज़्यादा बढ़ गई तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर कोत्रो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना जो कोत्रो होता है म्यूजिक का बेल बजाता है और जब म्यूजिक की बाहर आती है अपना कोत्रो भाग के अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। और फिर 10 मिनट बाद वो फिर से आता है बेल बजाता है फिर भाग जाता है, फिर 10 मिनट बाद आता है फिर से बेल बजाता है भाग जाता है, और वो कुछ देर तक ऐसे ही करता रहता है। और फिर अपनी जो म्यूजिक होती है उसको एक बार पकड़ लेती है और बोलते हैं कि तुम यही चाहते हो ना कि तुम मुझे परेशान करो और मैं यहाँ से फिर चली जाऊँ। तो अपने कोत्रो बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से अपार्टमेंट छोड़ कर चले जाना चाहिए। और फिर तभी म्यूजिक बताते हैं कि मैं जैसा कि शिन ने कहा है कि मैं उसके पुलिस के पास जाऊँगी और उसकी कंप्लेंट करूँगी। और फिर अपना कोत्रो होता है वो बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो बीएफ है वो एक बुरा इंसान बन जाए, मैंने भी अपने पापा को ऐसे किया था और मेरे पापा एक बैड गाय में